People in Mumbai participated in a workshop aimed to promote eco-friendly idols of Lord Ganesha ahead of the festival of Ganesh Chaturthi. Ganesh Chaturthi is a 10-day long festival which marks the birthday of Lord Ganesha. Elaborately painted and decorated idols are worshipped before mass processions take them to nearby rivers, lakes and the sea, where they are immersed in accordance with Hindu faith. A workshop organizer Vandana Pawar said, आज हम लोग का पूरा दिन का वर्कशॉप था इको फ्रेंडली गणेशा करके, तो इसमें हम लोग ने टेराकोटा की मिट्टी यूज की है, क्योंकि ये जो टेराकोटा की मिट्टी है वो अपने नेचर को कुछ भी हानि नहीं पहुंचती है, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारा गणेशा का विसर्जन हो जाता है तो जुहू चौपाटी पे आप अगर नेक्स्ट दिन जाते हैं तो वहाँ पे पूरा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का गणेशा रहता है उसका वो पूरा वो फिर किनारे पे आ जाता है, लेकिन ये जो मिट्टी का है जो गणेशा वो पूरा पानी में यहाँ पे नगर मिक्स हो जाता है। इनिशियली मैं अपनी डॉटर को भी भेजने के लिए इतनी कीन नहीं थी जब मैंने इसके बारे में पब्लिसिटी देखा, बट देन आई थॉट इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट, शी शुड नो, उन्हें पता चलना चाहिए कि इको फ्रेंडली गणेशा क्या होता है, हाउ इट हेल्प्स द एनवायरनमेंट। आई मीन मुंबई जैसे सिटी में देयर इज सो मच ऑफ पॉल्यूशन, हार्डली स्पेस है, सो एवरीथिंग इज गेटिंग लाइक यू नो व्हाट वी आर डूइंग, जो भी हम यूज कर रहे हैं वो वापस इसी लैंड में आ रहा है, इसी लैंडफिल्स में जा रहा है। सो ये कंसेप्ट बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है, जिसमें हम इको फ्रेंडली गणेशा ना ही बना रहे बट वी आर हैविंग अ आर्टिफिशियल पॉन्ड जिसमें हम उनको इमर्स करेंगे। Children who participated in the workshop were seen making small idols and were asked to later submerge it into an artificial pond.